हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम हेकार सिंह। डियर फ्रेंड्स, देखिए अपना जो टॉपिक है वो द वर्ब काइंड्स चल रहा है, और लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब के बारे में बता दिया है। देखिए, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि द वर्ब काइंड्स एक बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है, तो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो देखिए, आज हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3, लिंकिंग वर्ब्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम आपको जो है ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब के बारे में बता चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, तो कम टू द पॉइंट, लिंकिंग वर्ब्स। संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके पूरक कंप्लीमेंट से जोड़ती है। जैसे मदन इज डिसऑनेस्ट, मदन क्या है? डिसऑनेस्ट, बेईमान है। ओके, तो इस वाक्य में इज क्रिया है, मदन क्रिया का कर्ता सब्जेक्ट है और डिसऑनेस्ट क्रिया का पूरक कंप्लीमेंट है। उपरोक्त वाक्यों में 3 शब्द हैं, आरंभ में मदन है और अंत में डिसऑनेस्ट है। इन दोनों के मध्य इस क्रिया है, अतः मदन और डिसऑनेस्ट को जोड़ने का कार्य इसका है। ऐसी क्रिया वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करे। ओके, अब देखिए, नोट, लिंकिंग वर्ब्स का पूरक कंप्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव होता है। तो लिंकिंग वर्ब का पूरक कौन होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है? या तो आपका नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। लिंकिंग वर्ब्स अदर देन बी, अब देखिए बी के बाद में लिंकिंग वर्ब्स जो बी के अदर होती हैं। अब देखेंगे बी में कौन कौन सी वर्ब आती हैं। बी इस क्रिया के विभिन्न रूपों इज, एम, आर, बाज वर्ब के अतिरिक्त कुछ और क्रियाओं का प्रयोग भी संयोजक क्रिया लिंकिंग वर्ब्स के रूप में होता है। ये निम्न हैं, कम, गो, गेट, ग्रो, फील, रन, बिकम, लुक, रिमेन, सीम। अब देखिए इनका एग्जांपल देखेंगे, द न्यूज़ कम ट्रू, इट गॉट डार्क, सी फेल्ट इंसल्टेड, ही ग्रू एंग्री। अब देखिए इन सेंटेंस में जो वर्ब्स यूज हुई है, कम, गॉट, फेल्ट और ग्रो, ये क्या है? ये भी लिंकिंग वर्ब है। अब देखिए नंबर 4, एक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सीता इज रीडिंग ए बुक, हरी हैज़ रिटन ए लेटर, मोहन विल गो टू कानपुर, रीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखेंगे पहला सेंटेंस देखेंगे, रीता इज रीडिंग ए बुक, रीता एक पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए इसमें इज बुक 2 वर्ड हैं जो कि वर्ब हैं, इज और रीडिंग। सेकंड में भी हैज़ रिटन 2 वर्ड हैं जो कि वर्ब हैं, हैज़ और रिटन। और ऐसे ही थर्ड में देखेंगे विल गो, इसमें भी 2 वर्ड हैं जो कि वर्ब हैं, विल और गो। और फोर्थ में भी इसी प्रकार, फोर्थ में देखेंगे वाज सिंगिंग, इसमें भी 2 वर्ड हैं जो कि वर्ब हैं, वाज और सिंगिंग। ठीक है, यानी कि इन वर्ड्स, इन्हें पूरा करने के लिए हमें जो इज, हैज़, विल और वाज हैं, ये जो मेन वर्ब से पहले हुए हैं, रीडिंग, रिटन, गो और सिंगिंग, ये जो मेन वर्ब हैं, इनसे पहले जो ये यूज़ हुई हैं, इज, हैज़, विल, वाज, ये क्या हैं? एक्सिलरीज वर्ब हैं या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए एक्सिलरीज वर्ब की परिभाषा, जो क्रिया मुख्य क्रिया मेन वर्ब को टेंस बनाने में सहायता करती है उन्हें एक्सिलरीज वर्ब
कहते हैं। देखिए ये मुख्य क्रिया जो है जैसे रीडिंग, रिटन, गो, सिंगिंग, इनकी जो सहायता कर रहे हैं वो इज, हैज़, विल, वाज हैं, क्योंकि ये इन्हें कंप्लीट इस सेंटेंस को पूरा करने में इनकी सहायता करनी है, क्योंकि बिना इनके ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेंगे, ये वाक्य क्या रहेंगे, इनकम्प्लीट रहेंगे। तो इसलिए ये क्या है, एक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखेंगे मुख्य सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं हेल्पिंग वर्ब्स। मुख्य सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब्स निम्नलिखित हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट आदि। अब देखिए लिंकिंग वर्ब्स एंड एक्सिलरीज वर्ब्स। संयोजक क्रिया और सहायक क्रिया, संयोजक क्रिया और सहायक क्रिया के अंतर को समझने के लिए निम्न उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखेंगे हम लिंकिंग वर्ब्स और एक्सिलरीज वर्ब्स। ठीक है, नंबर एक, यू आर रिच, और एक्सिलरीज वर्ब में देखेंगे सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सेकंड है, सी इज पुअर, और सेकंड देखेंगे इसमें एक्सिलरीज वर्ब में यू आर राइटिंग ए लेटर। थर्ड है, ही वॉज सैड, और थर्ड है We were going to Agra. Fourth, I am a teacher, linking verb में, और देखिए auxiliary verb में fourth होगा He was playing tennis. और number five है linking verb में We were happy, और number five हो जाएगा auxiliary verb में They are sleeping. अब देखिए उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि नंबर एक, लिंकिंग वर्ब में केवल एक शब्द ही होता है, और एक्सिलरीज वर्ब में एक से अधिक शब्द होते हैं। यानी कि देखेंगे आप कि लिंकिंग वर्ब में जो है एक वर्ड है वो एक ही वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब में वर्ब के सेंटेंस में सिर्फ एक शब्द ही क्या होगा, वर्ब होगा। और देखिए एक्सिलरीज वर्ब में दो शब्द होंगे, एक मेन वर्ब होगी और एक हेल्पिंग वर्ब होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एक से या दो बार देखेंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और देखिए इतने सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इन्हें आप देखते रहें तो बड़ी आसानी से आप इन्हें अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ओके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहें, और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करते रहें। ओके, गुड बाय।